हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन क्या होता है वो अपन इसकी सहायता से समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक सेल बना रखी है, इस सेल में जब सेल डिविजन होगा तो दो न्यू सेल बनेगी, ठीक है। अच्छा, जिस सेल में डिवीजन होता है उस सेल को बोलते हैं बेटा मदर सेल, हिंदी में मातृ कोशिका। और जब सेल डिवीजन से जो दो नई सेल बनती है उनको कहते हैं डॉटर सेल, हिंदी में पुत्री कोशिका, ठीक है। एक सेल में डिवीजन होगा जिससे दो नई सेल बनेगी। अब जो नई सेल बनी हुई है उनमें क्या होगा, मैचुरेशन, परिपक्व। तो जिस प्रोसेस के द्वारा एक बनी हुई सेल मैच्योर होती है, क्या होती है, मैच्योर, ये देखो मैच्योर। तो जिस प्रोसेस के द्वारा एक न्यू फॉर्म सेल मैच्योर होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इसको आप डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं विभेदन। क्या बोलते हैं, विभेदन, ठीक है। अब ये सेल मैच्योर हो गई। आपको याद होगा बेटा कि जो मैच्योर सेल होती है उनमें डिवीजन की कैपेसिटी लॉस हो जाती है। मतलब एक मैच्योर सेल में या एक परिपक्व सेल में डिवीजन नहीं होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी किसी मैच्योर सेल में फिर से डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है, मतलब विभाजन की क्षमता आ जाती है, जिसके कारण उसमें विभाजन होता है और उससे दो न्यू सेल बनती है। तो एक मैच्योर सेल में यदि फिर से डिवीजन हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलेंगे निर्विभेदन। क्या कहेंगे, निर्विभेदन, ठीक है। मतलब इस मैच्योर सेल में डिवीजन हो गया, ठीक है। अब डिवीजन से दो न्यू सेल बन गई। जब नई सेल बनती है तो उस नई सेल में फिर से मैचुरेशन होता है, परिपक्वन होता है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा उसमें परिपक्वन आएगा, मैचुरेशन आएगा, उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन, हिंदी में पुनर्विभेदन। क्या कहते हैं, पुनर्विभेदन, ठीक है बेटा। एक बार और समझ लो, एक मदर सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो दो न्यू सेल बनती है, ठीक है। इन न्यू सेल्स में जिस प्रोसेस के द्वारा मैचुरेशन होगा, परिपक्वन होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं विभेदन, इंग्लिश में डिफरेंशिएशन। अब एक जो मैच्योर सेल है उसमें डिवीजन की कैपेसिटी का लॉस हो जाता है, मतलब विभाजन नहीं होता है, लेकिन कभी कभार जो मैच्योर सेल है उसमें फिर से डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है, उसी को कहते हैं अपन डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब फिर से उसमें डिवीजन का होना, ठीक है। जब डिवीजन होगा तो दो नई सेल बनेगी, उन नई सेल्स में जब फिर से मैचुरेशन होगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं री डिफरेंशिएशन, पुनर्विभेदन, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है प्लास्टिसिटी। ये इधर यहां पे मैंने बना रखा है प्लास्टिसिटी क्या होता है, पहले पढ़ते हैं। देखो, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स फिनोटाइप इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स टर्म्स प्लास्टिसिटी। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, जब हमारे एनवायरमेंट में परिवर्तन होता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स वगैरह, इनमें क्या होता है, परिवर्तन आते हैं। उस परिवर्तन को लिखा है यहाँ पे फिनोटाइप, ठीक है। जो बाहरी चेंजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ पौधों में जब एनवायरमेंट में चेंज होता है या जब हमारा पर्यावरण परिवर्तित होता है तो पौधों के अंगों में भी परिवर्तन होता है, जैसे लीफ वगैरह, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लास्टिसिटी। ऐसा किसमें होता है, ऐसा बेटा एक तो कॉटन में होता है, कपास में, दूसरा कोरिएंडर धनिया, और एक लाक्स पर, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल प्लास्टिसिटी के, याद रखना, कॉटन,
कोरिएंडर और लार्क्सपर। होता क्या है, जब हमारे पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो ये जो प्लांट्स है कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्सपर, इनकी पत्तियों में, ये फिली मतलब यहाँ पे लीफ है पत्तियां, इनकी पत्तियों में मतलब लीव्स में चेंजेस होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। ठीक है।